एबीस कहानी की शुरुआत में हमें तीन लोग दिखाए जाते हैं जो अपनी गाड़ी से एक डिजर्ट एरिया में जा रहे थे। ये लोग ऐसे बंदे से मिलने जा रहे थे जो मुर्दों को जिंदा कर सकता था। इनमें से एक लड़का मार्क होता है जिसकी बीवी की मौत हो गई थी, इसीलिए वो अपने ससुर अपने ब्रदर इन लॉ के साथ उस आदमी के पास जा रहा था ताकि वो अपनी बीवी को जिंदा करवा सके। अपनी बीवी लेजली की लाश उसने डिग्गी में रखी हुई थी। लेजली का पिता काफी अमीर आदमी था जो ब्लैक मैजिक में विश्वास रखता था, इसीलिए वो उस आदमी के पास जा रहा था ताकि उसकी बेटी को वो जिंदा कर सके। मार्क अपने फादर इन लॉ से कहता है कि क्या ये करना जरूरी है, तो वो बूढ़ा उसे कहता है कि अगर उसे उसकी बीवी वापस चाहिए तो उन्हें ये करना ही होगा। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि लेजली की मौत कैसे हुई थी, जहाँ लेजली और मार्क खुशी से एक घर में रह रहे थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वो कभी भी अलग नहीं होना चाहते थे। उन दोनों के पड़ोस में एक कपल था जो कि काफी लड़ते थे। जब लेजली और मार्क थोड़ा रोमांटिक हो रहे होते हैं तो उन्हें उन कपल की लड़ाई की आवाज आती है, इसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये देखकर मार्क वहां जाकर उन कपल से चिल्लाकर कहता है कि वो लोग शांत रहें, तो वो शांत हो जाते हैं। लेजली मार्क से पूछती है कि आखिर उन कपल्स में क्या दिक्कत है, तो मार्क उसे कहता है कि उन्हें उनसे क्या लेना देना। एक दिन मार्क जब अपनी गाड़ी ठीक कर रहा होता है तो उसकी पड़ोसन उससे फ्लर्ट करती है। वो उससे कहती है कि उसके पास कुछ ठंडी बीयर है, तो अगर वो उसे पीना चाहे तो वो उसके घर के अंदर आ सकता है। मार्क ये सुनकर उसे इनकार करते हुए कहता है कि उसे कुछ नहीं पीना। तभी उस लड़की का झगड़ालू पति वहाँ आकर उसे डांटता है क्योंकि वो किसी गैर मर्द से बात कर रही थी। जाते वक्त वो मार्क को घूरता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो उसकी बीवी से फ्लर्ट कर रहा था। रात को वो बंदा मार्क के घर के बाहर आकर उसका दरवाजा पीटता है। जब मार्क वहाँ जाता है तो वो उससे कहता है कि वो उसकी बीवी से दूर रहे क्योंकि वो नहीं चाहता कि उन दोनों में लड़ाई हो। ये सुनकर मार्क काफी डर जाता है क्योंकि उसने तो कोई गलती भी नहीं की थी। वो आदमी लेजली को देखकर कहता है कि उसकी बीवी काफी सुंदर है, तो वो उसी के साथ रहे और किसी और लड़की के बारे में ना सोचे। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और मार्क और लेजली फैसला करते हैं कि वो यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी से उनकी लड़ाई हो। अगले दिन मार्क और लेजली खिड़की से उन कपल को लड़ते हुए देखते हैं। गुस्से में वो बंदा अपनी बीवी का सर कार की डिग्गी में मारता है, तो ये देखकर मार्क को बहुत गुस्सा आता है और वो बाहर उस लड़की को बचाने के लिए जाता है। बाहर जाकर वो उस बंदे को एक मुक्का मारता है जिससे उसका खून निकलने लगता है और वो उससे कहता है कि वो किसी लड़की पर हाथ ना उठाए। ये देखकर उसकी बीवी अपने पति को बचाती है और मार्क से कहती है कि वो यहाँ से चला जाए। रात को जब लेजली अपनी पेंटिंग बना रही होती है तो वो बंदा उसके पीछे आकर उस पर हमला कर देता है। ये देखकर मार्क जब वहाँ आता है तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो बंदा लेजली के सर पर मारता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ हम देखते हैं कि ये तीनों उस आदमी के पास पहुँच गए थे। वो लोग उसके घर के बाहर खड़े होकर उसे आवाज लगाते हैं लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। लेजली का पिता अपने बेटे से कहता है कि वो दूसरे घर में जाकर देखे कि वहाँ कोई है या नहीं। जब उसका बेटा वहाँ जाकर खिड़की के अंदर देखता है तो उसे एक लेडी दिखाई देती है जो कि काफी अजीब दिखती थी। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और उस लेडी को आवाज लगाता है। तभी वो देखता है कि वो लेडी वहाँ से गायब हो गई है। ये देखकर वो काफी डर जाता है। मार्क भी ये देखकर डर गया था और वो अपने ससुर से कहता है कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए। उसका ससुर ये सुनकर कहता है कि वो डिसाइड नहीं करेगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वो अपनी बेटी को वापस जिंदा करना चाहता है और उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तभी वो आदमी अपने घर से बाहर आता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्यों आए हैं। लेजली का पिता उससे बताता है कि उसकी बेटी की मौत हो गई है और वो चाहते हैं कि वो वापस जिंदा हो। ये सुनकर वो आदमी उन्हें लाश दिखाने के लिए कहता है, तो वो उसे लाश दिखाते हैं। लेजली की लाश को उठाकर वो लोग बेसमेंट में ले जाते हैं और वो आदमी उनसे कहता है कि एक बार अगर ये जिंदा हो गई तो वो लोग यहाँ पर वापस बिल्कुल नहीं आएंगे। ये सुनकर वो तीनों वादा करते हैं कि वो वापस नहीं आएंगे। लेजली का पिता इस काम के लिए उसे ढेर सारे पैसे देता है और वो आदमी अंदर जाता है कुछ सामान लेने के लिए। तभी इन तीनों को एक कमरे से किसी मॉन्स्टर की आवाज आती है। ये देखने के लिए मार्क उस कमरे में जाता है तो देखता है कि उस कमरे में एक अजीब सा क्रिएचर है जिसकी आंखें पूरी तरह हरी हैं और उसका शरीर सफेद है। ये देखकर मार्क काफी डर जाता है, तो वो आदमी
लेजली वहां आकर उसे वहां से जाने के लिए कहता है। वो मार्क को लेजली के बॉडी के पास ले जाता है और उससे कहता है कि वो उसे कसकर पकड़े। वो एक बड़ा सा इंजेक्शन लेजली के गर्दन पर इंजेक्ट करता है और मार्क को एक छोटा इंजेक्शन देता है उसे लगाने के लिए। तभी वो लोग देखते हैं कि लेजली की आंख चलने लगी है और वो जिंदा हो गई है। जिंदा होते ही लेजली को एक सपना आता है कि मार्क एक सैक में जाकर छुप गया है और वो उसका दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी जब आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि वो अपने घर में है। मार्क उसे वापस नॉर्मल देखकर उसे गले लगा लेता है और उससे कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। मार्क लेजली को खाना देता है तो वो उससे कहती है कि उसे भूख नहीं लग रही, जो कि काफी अजीब बात थी। लेजली मार्क को बताती है कि उसे काफी अजीब सपने आ रहे हैं, तो मार्क उससे कहता है कि वो चिंता ना करे। उसके बाद वो अपने काम पर चला जाता है और लेजली की बहन को उसके साथ रहने के लिए कहता है। रात को लेजली की बहन उसे अपने घर ले जाती है, जहां उसका भाई लेजली को नॉर्मल देखकर बहुत खुश होता है। तभी लेजली को एक कमरे से उसके पिता और मार्क की आवाज आती है। जब वो वहां जाती है तो वो सुनती है कि वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। मार्क उसके पिता से कहता है कि उन्हें लेजली को सब सच बता देना चाहिए, लेकिन उसका पिता उसे कहता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से लेजली को बुरा लगेगा। ये सुनकर लेजली बाहर आती है और अपने पिता से कहती है कि वो उससे क्या छुपा रहे हैं। उसका पिता उसे वो बात नहीं बताना चाहता, तो लेजली मार्क को लेकर वहां से चली जाती है। रात को लेजली सपना देखती है कि मार्क उस सैक से बाहर आ गया है और उसने अपना हाथ काट लिया है और वो उसके खून को पी रही है। इसके बाद जब लेजली की आंख खुलती है तो वो काफी डर जाती है। वो फ्रिज से खाना निकाल कर खाती है तो उसे उल्टी होने लगती है, मानो कि उसे इंसानों का खाना पसंद ना हो। जब वो वॉशरूम में जाती है तो देखती है कि उसके गर्दन पर ब्रूजेस आ गए हैं। ये देखकर वो काफी डर जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। जब मार्क वहां आता है तो वो उसे बेहोश देखकर हैरान हो जाता है। वो उसे उठाकर बेड पर सुलाता है और उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ है। तब लेजली उसे सब बताती है तो मार्क उससे कहता है कि जल्दी सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और इसी बीच लेजली सपना देखती है कि वो मार्क के हाथ से निकलते खून को पी रही है। अगले दिन लेजली जब अपनी पेंटिंग बना रही होती है तो उसके दरवाजे पर वो पड़ोस की लेडी आती है, जो उससे माफी मांगने आई थी। वो उससे कहती है कि उसे काफी दुख है कि उसके पति ने उस पर हमला किया था। ये सुनकर लेजली उस लेडी को अपने घर के अंदर बुला लेती है, जहाँ वो लेडी उसकी पेंटिंग देखकर उसकी तारीफ करती है। तभी वो लेजली के गर्दन पर देखती है, जो कि पूरा सफेद हो रहा था। वो उससे पूछती है कि उसके शरीर को क्या हो रहा है। तब लेजली उससे कहती है कि कुछ दिनों से उसे अजीब सा फील हो रहा है। वो लेडी उससे बताती है कि उसका पति उसे छोड़कर चला गया है, जिसकी वजह से वो अकेली रह रही है। ये सुनकर लेजली उसे ड्रिंक ऑफर करती है और देखती है कि उसके होंठ से खून आ रहा है। वो खून देख लेजली पागल हो जाती है और उस लेडी का खून चूस चूस कर उसे मार डालती है। मार्क जब घर वापस आता है तो देखता है कि लेजली का मुंह खून से लथपथ है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और लेजली से पूछता है कि ये कैसे हुआ। तभी वो कमरे में उस लेडी की लाश को देखता है, जिसका खून लेजली ने चूस लिया था। ये देखकर मार्क हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है कि लेजली एक क्रिएचर में तब्दील हो रही है और उसे जिंदा रखने के लिए उसे खून चाहिए होगा। वो लेजली से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो उसे बताती है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानती। रात को मार्क उस लेडी की बॉडी को एक तालाब के पास ले जाता है और उसे उसके अंदर फेंक देता है, ताकि पुलिस को कोई सबूत ना मिले। जब वो वापस घर में आता है तो देखता है कि लेजली उल्टी कर रही है, मानो कि उसे खून की और जरूरत हो। ये देखकर वो उसे कहता है कि वो उसकी गर्दन पर काटे। लेजली उसकी गर्दन पर काट कर उसका खून पीती है। कुछ दिनों बाद मार्क के घर पर डिटेक्टिव आता है, जो उस लेडी के बारे में पूछताछ करने आया था। वो मार्क से पूछता है कि क्या उसे पता है कि उसकी पड़ोसी कहाँ गई है। वो उससे कहता है नहीं। वो मार्क को अपना नंबर देता है और उससे कहता है कि अगर उसे कभी भी वो लेडी दिखाई दे तो वो उसे तुरंत कॉल करे। अब मार्क हर रोज अपने शरीर पर कट लगाकर लेजली को खून पिलाता है। एक दिन लेजली का भाई उनके घर पर आता है उससे मिलने के लिए, तो मार्क उससे कहता है कि लेजली सो रही है तो वो उससे नहीं मिल सकता। ये देखकर उसका भाई उससे कहता है कि वो उसकी बहन का ख्याल रखे और वहां से चला जाता है। रात को मार्क अपने शरीर पर कट लगाकर लेजली को अपना खून पिलाता है। अगले दिन वो डिटेक्टिव फिर से मार्क के घर आता है और उससे कहता है कि वो उसके साथ चले। तब मार्क
उससे कहता है कि उसकी बीवी घर पर उसका वेट कर रही है तो वह उसके साथ नहीं जा सकता। लेकिन डिटेक्टिव उसकी एक नहीं सुनता और जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाता है। वो मार्क को एक गैराज में ले जाता है और उसे उसके ससुर से मिलवाता है, जिससे मार्क को पता चलता है कि उसके ससुर और डिटेक्टिव मिले हुए हैं। उसका ससुर उसे एक कमरे में ले जाता है जहाँ उसने उसके पड़ोसी को बांध रखा था। वो मार्क से कहता है कि वह उसे जान से मार डालेगा क्योंकि उसने उसकी बीवी को मारा था। मार्क उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो वह उसे मार नहीं पाता क्योंकि वह किसी की जान नहीं ले सकता था। ये देखकर उसका ससुर डिटेक्टिव को वो काम सौंपता है तो डिटेक्टिव उसे मार डालता है। मार्क उससे कहता है कि उसने ये करके बहुत गलत किया और लेजली को जब ये पता चलेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। उसका ससुर उससे कहता है कि उसकी बेटी के साथ जो गलत करेगा उसका यही अंजाम होगा और अगर कभी वो भी उसके साथ गलत करेगा तो वो उसे भी मार डालेगा। मार्क जब घर वापस लौटता है तो देखता है कि लेजली घर में नहीं है। ये देखकर वो समझ जाता है कि लेजली को उसके भाई और बहन ले गए होंगे। इधर लेजली के भाई और बहन उसे अपने घर में लाते हैं और देखते हैं कि उसका पूरा शरीर सफेद हो चुका है। ये देखकर उसकी बहन डर जाती है और उससे दूर चली जाती है। लेजली जब अपने शरीर को देखती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि वो एक क्रिएचर में तब्दील हो रही थी। मार्क लेजली के भाई को फोन करता है लेकिन वो उसका फोन काट देता है। लेजली की बहन लेजली का रूप देख कर एक अलग कमरे में चली जाती है। तभी लेजली उसके पास आकर उससे कहती है कि वो उससे ना डरे। वो अपनी बहन के सामने अजीब व्यवहार करती है और उसे चूमने लगती है। ये देख उसकी बहन डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर लेजली का पिता और उसका भाई जब कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि लेजली उस पर हमला कर रही है। तभी मार्क भी वहाँ जाता है जो लेजली को एक इंजेक्शन देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद मार्क और उसका भाई लेजली को लेकर वापस उस आदमी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने उसमें ऐसा क्या इंजेक्ट किया है जिसकी वजह से वो क्रिएचर बन रही है। ये सुनकर वो आदमी उनसे कहता है कि उन्होंने ये वादा किया था कि वो वापस नहीं आएंगे तो वो लोग वापस क्यों आए हैं। तभी मार्क अपनी गन निकालता है और उस आदमी पर तान देता है। वो उससे कहता है कि वो उसकी वाइफ को ठीक करे वरना वो उसे मार डालेगा। ये सुनकर वो आदमी डर जाता है और उससे कहता है कि वो लेजली को बेसमेंट में लेकर चले। जब वो लेजली को बेसमेंट में लेकर जाते हैं तो वो आदमी उनसे कहता है कि इसे एक इंजेक्शन देना होगा, इससे वो ठीक हो जाएगी। वो मार्क को लेकर कमरे में जाता है और इस पर हमला कर देता है। वो एक रस्सी से उसका गला दबा देता है जिससे मार्क की मौत हो जाती है। जब लेजली का भाई मार्क को बचाने के लिए वहाँ आता है तो वो आदमी उसके सीने पर चाकू मार देता है जिससे डर कर लेजली का भाई वहाँ से भागने लगता है और वो आदमी उसका पीछा करता है। वो एक घर के कमरे में छुप जाता है जहाँ उस आदमी की बीवी रहती थी। इधर लेजली को होश आता है और हम देखते हैं कि उसकी आंखें बदल गई हैं। तभी वो मार्क की बॉडी देखती है जिसे देखकर उसे काफी बुरा लगता है। इधर लेजली के भाई के सामने उस आदमी की बीवी आती है जो कि एक क्रिएचर थी। वो उसे देखकर कहती है कि वो उसका खून पिएगी और ये कहकर वो उस पर हमला कर देती है। लेजली का भाई अपने आप को बचाने के लिए उसके सर पर मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। इधर लेजली मार्क की बॉडी के पास होती है तो उसे एक क्रिएचर की आवाज आती है। वो देखती है कि उस आदमी ने एक क्रिएचर को बांध रखा है जो कि इंसानों की तरह ही दिखती थी और उसका शरीर सफेद है। दरअसल एक एंजल होती है जिसे उस आदमी ने बंधक बना रखा था ताकि वो इसका खून लेकर मुर्दों में डाले और वो जिंदा हो सके। वो एंजल जब लेजली को देखती है तो उसे पता चलता है कि वो भी उसी की तरह है। इधर लेजली का भाई देखता है कि वो औरत अभी मरी नहीं है, वो उस पर हमला कर देती है तो लेजली का भाई एक रॉड लेकर उसके सर पर मारता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब वो आदमी वापस बेसमेंट में आता है तो देखता है कि लेजली अपनी जगह से गायब है। ये देखकर वो एंजल के कमरे में जाता है और एंजल उसका गला दबाकर उसे मार डालती है क्योंकि वो आजाद हो चुकी थी। उसके बाद एंजल मार्क के पास जाकर उसे किस करती है और हम देखते हैं कि मार्क जिंदा हो गया है। तभी लेजली का भाई वहाँ आता है और एंजल को देखकर हैरान हो जाता है। वो देखता है कि मार्क और लेजली दोनों अब जिंदा हो गए हैं और वो उन्हें वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो अपने पिता के पास जाकर उसे बताता है कि उन दोनों का फैसला है कि वो वहीं पर रहेंगे तो वो उनके पास दोबारा ना जाए। वो ये भी कहता है कि वो उनका घर छोड़ रहा है क्योंकि वो एक जिद्दी आदमी है जिसने बहुत कत्ल किए हैं। लेजली का पिता उस डिटेक्टिव को कॉल करके कहता है कि वो उस जगह पर जाए और पता करे कि उसकी बेटी और दामाद वहाँ
पर क्या कर रहे हैं। ये सुनकर वो डिटेक्टिव जब वहाँ जाता है तो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है। तभी उसे वो बेसमेंट नजर आता है तो वो उसके अंदर जाता है जहाँ वो एंजल उस पर हमला कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है और लेजली उससे कहती है कि उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। और उसके बाद वो सब मिलकर उसका खून पीते हैं। अब हम देखते हैं कि मार की आंखें बदल गई हैं, यानी वो भी एक क्रिएचर में तब्दील हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।